नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। 2022 की चुनावी जंग, विधानसभा चुनाव में किस पर चढ़ेगा जीत का रंग और अपने प्रदर्शन से कौन करेगा तंग, कौन से मुद्दे सियासत को धार देंगे या फिर कौन सी समस्याएं सियासत की तस्वीर बदलेंगी, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या है विकास का हाल और क्या है जनता का मूड, हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। 403 में आज बात हापुड़ विधानसभा सीट की। मुरादाबाद से देश की राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाले हाईवे से सटी हापुड़ विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश का वो विधानसभा क्षेत्र है जहां उत्तर प्रदेश में जमीन तलाश रही कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। कांग्रेस के अलावा हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और बीएसपी की भी अच्छी खासी बैठ है। मौजूदा वक्त में यहाँ से बीजेपी के विजय पाल आढ़ती विधायक है और 2012 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 2002 और 2007 बीएसपी ने जीत दर्ज, जबकि बीजेपी ने 1991, 1996 और 2017 में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। हालांकि दिलचस्प है कि जिले का नाम बदलकर हापुड़ करने वाली समाजवादी पार्टी अब तक हापुड़ विधानसभा सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी है। 2017 विधानसभा चुनाव में मौजूदा विधायक विजय पाल को 84,532 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के गजराज सिंह को 69,526 वोट मिले थे। पिछले कई चुनावों से हापुड़ विधानसभा सीट पर बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। माना जा रहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला इन्हीं दलों के बीच होगा। हापुड़ विधानसभा सीट पर पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 1,87,666 है, महिला मतदाता 1,57,320 है, जबकि कुल मतदाता 3,44,986 है। क्षेत्र में सबसे ज्यादा संख्या युवा मतदाताओं की है कि हापुड़ विधानसभा सीट पर करीब 3.5 लाख वोटर हैं, जिनमें 2 लाख के करीब पुरुष हैं और करीब 1.5 लाख महिलाएं हैं। 3.5 लाख वोटरों में युवाओं वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। जातीय समीकरणों की बात करें तो हापुड़ सीट पर सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम मतदाताओं की है। मुस्लिम मतदाता करीब 1,10,000, एससी वोटर्स करीब 70,000, जाट मतदाता करीब 45,000 है। जाहिर है हापुड़ सीट पर दलित और मुस्लिम मतदाताओं की गठजोड़ जीत और हार का समीकरण तैयार करता है। हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में बीते वक्त में कई विकास कार्य कराए गए हैं, जिनमें सड़कों का निर्माण शामिल है। सीवर लाइन बिछाने का कार्य जारी है, लेकिन गंदगी और सड़कों पर घूमते आवारा पशु क्षेत्र की बड़ी समस्या है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, बहुत ज्यादा गंदगियां हैं, रहना दुश्वार हो चुका है, इतना गंदगी है यहाँ पर। बहरहाल 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी हलचल भी बढ़ती जा रही है। सड़कों पर बड़ी संख्या में सियासी दलों की होर्डिंग नजर आ रही है। बीजेपी के सामने 2022 में दोबारा जीत दर्ज करने की चुनौती है, तो विपक्षी दल सीट पर काबिज होने का सपना देख रहे हैं। अब सवाल है कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब सवाल यह है कि हापुड़ के मौजूदा विधायक विजय पाल आढ़ती ने अपने कार्यकाल में क्या विकास कार्य कराए हैं, वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिनके बलबूते वो 2022 में जीत का दम भर रहे हैं, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरी विधानसभा में एक भी गांव ये नहीं कह सकता कि मेरे गांव में काम नहीं हुआ। हमने हर गांव के अंदर विकास कार्य के काम करवाए हैं और हर गांव के अंदर ऐसा नहीं कि एक एक सड़क, तीन तीन चार चार सड़कें और 7-8 गांव तो ऐसे जैसे कि हमने 2-2 किलोमीटर की सड़कें भी बनाने का काम हमने करा है। लोग दोबारा आकर आपको वोट क्यों दें? हापुड़ के अंदर 12-13 गांव मुस्लिम समाज के हैं। सुल्तानपुर, सलाई, गोंदी, घुंघराला, हृदयपुर, ऐसे लगा के 10-12 गांव हैं, मगर मैंने हर गांव के अंदर
एक एक दो दो काम सभी गाँव में करवाए हैं। और जो ये लोग कह रहे हैं ये अपना काम दिखला दें, ये तो चार फेरे विधायक रहे हैं, विपक्ष वाले दो दो फेरे चार चार फेरे रहे हैं लगातार, ये अपना इन्हीं गाँव में जिन लोगों की इन्होंने वोट लिए हैं ये अपना काम एक ही बतला दें मुझे उन गाँवों में। और हमने तीन तीन चार चार काम दो दो काम हर गांव के अंदर करवाए हैं। हमने हमारी सरकार का एक ही मकसद है कि सबका साथ और सबका विकास। इस बार जीते तो आप क्या करेंगे? आने वाले समय में एक तो मेरा अभी सरकारी अस्पतालों की भी बहुत जरूरत है काम करने की, काफी काम हुए हैं मगर अभी जरूरत भी बहुत है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी हापुड़ को बेटिन का मेरा मन यह है कि डिग्री कॉलेज बेटिन के एक बहुत जरूरत है कि आने वाले समय में डिग्री कॉलेज के भी हमने खैर प्रस्ताव भेज रखा है। और वो मुझे ऐसा लगता है कि चलो अब रह गए, अब तो चुनाव बहुत नज़दीक है मगर आने वाले समय में ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हापुड़ को डिग्री कॉलेज की भी ज़रूरत है और सरकारी अस्पताल में अभी डॉक्टरों की कुछ कमी है मगर पहले से बहुत ज़्यादा है, मगर जो कमी है वो अब के पूरा होगी। विधायक का तर्क सुना, अब देखें कि विधायक के तर्कों पर विपक्ष की राय क्या है, क्या वाकई विधायक ने क्षेत्र का विकास किया है। इस कार्यकाल में वह विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें कराएंगे, आज भी लगभग 100 सड़कें इस विधानसभा में ऐसी हैं जिनमें गड्ढे पड़े हुए, आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता, वो साफ दिखाई देता है। कोई बिजली का कार्य नया नहीं हुआ है, पुराने कार्य जितने हमारे कराए हुए थे वही सब सारे कार्य इसमें हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए अब थोड़ा बहुत एक दो सड़कों के बारे में उन्होंने विचार किया, वो भी पब्लिक की मांग पर। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? देखिए, इस देश को आज़ाद कराने में हमारा सबसे बड़ा हाथ हमारी पार्टी का रहा है। हमने जिस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी उसमें हवाई जहाज बनाने का काम किया, सारे किसानों को सब व्यवस्थाएं दी हमने जो पहले नहीं थी, आज़ादी से पहले हम किसान को उठा करके कहीं से कहीं लेकर चले गए हैं। जिस देश में सुई नहीं बनती थी आज हवाई जहाज बनता है, जहाँ पर हमने बाइसाइकिल पर नसीब नहीं होती थी आज हर घर घर के अंदर मोटरसाइकिल हमने देने का काम किया, फ्रिज देने का काम किया, पंखा देने का काम किया, बिजली पहुंचाने का हमने काम किया है। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 100-200 कार ना हो, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें बाइक ना हो। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, जब आदमी कोई मकान बनाता है, जब घर बनाता है तो बुनियादी तौर पर भी चाहता है मेरा घर सुरक्षित रहे। इस देश को कांग्रेस के लोगों ने आज़ाद किया कराया था, आज भी कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर अमन चैन रहे, शांति रहे, हमारे इसमें हिंदुस्तान के अंदर भारतवर्ष के अंदर किसान महफूज रहे, गरीब को बच्चा उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी हो। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जनता की राय कि आखिर वो क्या मानती है। जनता के मुताबिक हापुड़ विधानसभा क्षेत्र विकास के पैमाने पर आखिर कहां खड़ा है? क्या इलाके में विकास से आप संतुष्ट हैं? मेरा नाम सोनू सैनी है, जवागंज में रहता हूं। काम अच्छा भी गया है और काफ़ी अच्छा भी नहीं हुआ काम। देखिए, विकास कार्यों को लेकर हमारे विधायक विजयपाल आरती जी ने अच्छा काम किया है और यहाँ पे जो है सड़कों का और कनेक्टिविटी, जो सड़कों की जो कनेक्टिविटी है उस पर भी बहुत अच्छा काम हुआ है। विधायक जी ने बहुत विकास किया है, सुंदर हो गया हमारा शहर हापुड़। पहले बहुत गंदा रहता था, दोनों टाइम सफाई होती है, दिन में भी और रात में भी। हापुड़ क्षेत्र में विधायक का काम कोई अच्छा काम नहीं रहा है, कोई इस तरह का काम नहीं किया गया है, जैसे कि सड़कों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बनाई गई हैं लेकिन इस हद तक नहीं बनाई गई, जो किसान वहाँ से अपना सामान लाते हैं उन्हें बहुत दिक्कतें होती हैं। मेरे ख्याल से तो उन्होंने कुछ ज़्यादा काम अच्छा नहीं किया है, क्योंकि मैं टीचर्स कॉलोनी का निवासी हूँ, नाम मेरा दीपक है। वहाँ पर गंदगियाँ इतनी हो रही है, कभी विजय पलाड़ती आज तक उसमें आके नहीं देखे। हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है, जैसे कि सड़क बनने, नाले साफ होने और भी बहुत काम है, प्रशासन भी ठीक से काम करता है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? यहाँ पे जो है सड़कों पे
ध्यान दिया गया है, स्ट्रीट लाइटों पे और जगह जगह खंभे जो लाइटों पे लगे हैं उनमें डेकोरेशन किया है, लाइटें लगी हैं। पहले में और अब में कोई ख़ास बदलाव नहीं है। जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र में पहले गंदगी रहती थी, सड़कें टूटी फूटी थी, आज भी वही स्थिति बनी हुई है। धरती आसमान का बदलाव है। पहले हमारे स्वर्गासम रोड को ही ले लो, पहले 8 फुट की थी, गड्ढे थे, साइड में भी नहीं बने हुआ था, अब पूरी चौड़ी बनी हुई है, पक्की है, कहीं गड्ढे देखने नहीं मिलते। स्थानीय समस्याएं आखिर क्या है? स्थानीय समस्याओं में तो ऐसी कुछ खास नहीं आई है देखने में, क्योंकि समय से पहले ही सारे कार्य कर देते हैं। हमें कोई शिकायत होती है, हम सीधे संपर्क करते हैं, तुरंत सुनवाई होती है। बिजली और पानी की समस्याएं हैं, जैसे कि बिजली के बिल इतने आते हैं, बढ़ के आते हैं, जगह जगह तारें लटकी हुई हैं और रोज़ कोई ना कोई घटना हमें सुनने को मिलती है कि भाई आज यहाँ पर ये घटना हो गई, आज यहाँ वो हो गई, जगह जगह तारें लटकी हुई हैं, उनसे जो है लोगों को परेशानी होती है। नालियाँ भरी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। नगर में जितनी भी जो नाले हैं, ये जो खोद कर तो डाल दिए जाते हैं, पर लेकिन इन्हें प्रॉपरली बनवाया नहीं जा रहा है। हापुड़ विधानसभा सीट पर दलित और मुस्लिम वोटर्स की भूमिका निर्णायक है। हापुड़ सीट पर अब तक हुए चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय रहा है। माना जा रहा है कि 2022 में भी मुकाबला त्रिकोणीय ही होगा, लेकिन चुनौती सत्ताधारी बीजेपी के सामने है। 4 नॉट 3 में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।